उसके लिए नहीं, ये फिरौन के लिए, कि अल्लाह ने इसलिए कर दिया कि देखो हमने फिरौन को कैसे गर्क कर दिया, तो एक तो इतिहास वाली बात हो गई, भले उसका जिस्म भी रख दिया हमने, देखो इबरत की निशानी है। उससे नसीहत हमको भी लेना है कि हम सोच रहे हैं कि हम आखिरी में करेंगे, जब आ ही जाएगा ये अजाब तब कर लेंगे तोबा, तो फिर वही अल्लाह कहेगा अलान अब तो तुम्हें नहीं बचाएंगे, ये तुम्हारे मकानात को बचा लेंगे और तुमको फिर दास्तान बना देंगे, ताकि तुम्हारे लोग जो बाद में आए, तुम्हारी नस्लें, तो दिखाएं कि देखो ये अल्लाह के नाफरमान लोग थे, वक्त पे नहीं जागे, तो ये इबरत की निशानियाँ हैं। ये सबको हलाक कर दिया गया, इन पर जो है जालिम को मुसल्लत कर दिया गया, और जालिमों ने इनको मार मार के हलाक कर दिया। तो हम ये देखें कि हम इबरत की निशानियाँ ना बन जाए, ताकि बाद वाली हमारे नस्लें आके देखें कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।